मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, मैं हूँ घर पे और हमें 2-3 दिन हो गए हैं वापस आके। एक्चुअली इन 2-3 दिनों में मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया, लेकिन हम मदाह को भी बहुत मिस कर रहे थे, थकान भी थी और आते ही हमने डाइट रिजीम भी स्टार्ट किया, तो मैं कंटिन्यूसली कुछ बना नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि चलिए फिर से एक बार आपको जोड़ जोड़ के जो है मैं पिछले 4 दिनों का अपडेट दे दूं। तो आज सुबह थोड़ा सा लेट उठे, आंख ही नहीं खुली तो अलार्म बजता ही रह गया, तो इसलिए मैं और शुएब हमारे सुबह वाले डाइटिशियन वाले सेशन में नहीं जा पाए। लेकिन फिर हमें उठ के एक बाइट शूट करनी थी, तो हम इसलिए मैंने मेकअप किया हुआ है, तो हम रेडी हुए, हम लोग ऊपर गए, हमने बाइट शूट की। फिर मुझे अम्मी के लिए राशन लेने जाना था, तो मैं गई, मैं सारा राशन लेके आई और तब तक मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई, इसलिए अभी मैं ये पी रही हूँ कॉफी विदाउट शुगर, और ये मैं अब खा रही हूँ अपना ऑमलेट विद ये रोस्टेड टमेटो। ये शायद आपने मुझे पहले भी ब्लॉग में देखा हुआ है, मुझे ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मुझे ज्यादा भूख लगी है, इसलिए मैंने हल्की सी इस पे चीज डाली है। डाबरे मैम बोलती हैं कि जब बहुत भूख लगी हो तो ये थोड़ा सा डाल सकते हो, पर इसको हैबिट मत बना लेना। अभी मैं करूंगी अपना ब्रेकफास्ट ब्रंच जो भी बोल दीजिए और फिर उसके बाद करीब 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊंगी, उस बीच हो सके तो मैं अपना रात का खाना बना लूंगी। मीनवाइल जब तक मैं खाना अपना फिनिश करती हूँ, तब तक आप लोग जाकर देख के आइए कि जिस दिन हम मदाह से निकल रहे थे उस दिन क्या हुआ, हमारा सफर कैसा था, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो हमारे निकलने का वक्त हो गया है। ये पीछे खड़ी है फूफी, ये सुबह से आई थी हमारे साथ बैठी रही, और ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये घर मेरा मायका है, तो मैं जा रही हूँ। अभी एक दिन में आप भी आ जाना। चलो जल्दी मिलते हैं, आपसे मुलाकात नहीं करवा पाए थे पिछले वीडियो में, ऐसे हुआ इत्तेफाकन की सारी फूफी आपको दिख गई वीडियो में लेकिन आप ही नहीं दिखे, तो अभी मैं आपसे मिला देती हूँ, ये भी हमारी एक और फूफी है। चलिए अब अगली बार मिलते हैं, अल्लाह। तो चलिए अब हमारे निकलने का वक्त, सब एक बार मेरे लिए हाय कर दो, जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह। सब लोग थोड़े उदास हो गए थे, पूरा ऑब्वियसली हमें भी लग रहा था क्योंकि बहुत मज़ा आया इन 3 दिनों में, लेकिन जाना तो था ही, तो फिर हम निकल गए बाय रोड झांसी जाने के लिए। हाय गाइस, सो शाम के 6:15 हो रहे हैं, लेकिन देखिए अंधेरा ऐसा है, लग रहा है पता नहीं रात के कितना वक्त हो गया है। तो हम काफ़ी रास्ता तय कर चुके हैं और बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, बीच में टायर भी पंचर हो गया, आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, बेचारे आमिर भाई ने बहुत मेहनत से, शोएब ने उनकी हेल्प की, सब चेंज वेंज किया, फिर हम निकले। और यहाँ कोई बहुत ही अच्छा सा, हम लोग एक्चुअली ढाबा ढूंढ रहे थे, तो आमिर भाई ने बताया कि जब वो 4-लेन हाईवे स्टार्ट होता है उसके बाद ढाबे शुरू होते हैं, तो ये कोई श्री नारायण रेस्टोरेंट एंड रिजॉर्ट है। हमें यहाँ के स्टाफ ने बताया कि ये अभी 5-6 दिन पहले ही खुला है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये आप मेरे पीछे गार्डन देख पा रहे होंगे, बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, और ये देखिए इस तरीके की हट्स बनी हुई हैं, और यहाँ हम लोग बैठे हैं खाने के लिए, तो बहुत अच्छा है। और अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाना आ गया है, तो चलिए खाना खाते हैं। सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ की लगी, जो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मैं आपको हर बार बताती हूँ, कि यहाँ पे साफ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब द क्रॉकरी इज़ वेरी क्लीन। तो मैंने उनको बोला भी, मैं बोला देखो पुराना भी हो जाएगा तो इतना ही साफ सफाई रखना, ऑब्वियसली नया है। तो चलिए खाना आ गया है, खाना आ गया, जल्दी आ गया, तो अभी खाना खाते हैं। आहा, ठंड का मौसम और ढाबे की गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, अच्छा है ना सबा? बहुत ही ज्यादा अच्छा, ऐसे बहुत कम मौका होता है कि ऐसे ढाबे का खाना मिले गरम गरम, मजा ही आ गया, और वो भी बहुत ही यमी है, बहुत ही यमी। सो बहुत इंतजार के बाद एकदम, सुना आप लोगों ने, एक सिप लेते ही शोएब कहते हैं मेरी जैसी चाय बनी है जैसे मैंने कल बनाई थी। अरे यार मुझे कोई बोलने दो। बहुत इंतजार करने के बाद खाना खाया तो बहुत अच्छा था, और अब हम पी रहे हैं अच्छी सी चाय, और वो कुल्हड़ में आई है और ऑलरेडी मिल गया है फीडबैक कि बहुत अच्छी चाय है, तो मैं ये एंजॉय करके फिर यहाँ से निकले। हो गया है खाना, अच्छी सी सौंफ भी खा ली, अच्छी सी चाय भी पी ली, अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, आगे निकलेंगे। हम पहुंच गए झांसी, झांसी से हमारी ट्रेन थी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बस झांसी स्टेशन उतरे और हम एक्चुअली जल्दी पहुँच गए, कुछ वक्त था। और ये देखिए ये हमारी मेहनती मैडम वहाँ पे भी अपना व्लॉग अपलोड करने के लिए फुल कंसंट्रेशन से लगी हुई थी, और ये हमारा सामान रखा हुआ है, और ये मैं बैठी हुई हूँ, और ये आ गई हमारी ट्रेन।
नाश्ते में क्या है? और ट्रेन में बैठते ही ये भैया आ गए रबड़ी देने के लिए, कि काफी रात हो गई थी तो उनका वो कह रहे थे रबड़ी खाओ और गुड नाइट हो जाओ बस। फिर गुड नाइट होने की तैयारी करने के लिए शुए पर मैं पिलोस पिलाते हुए और फिर हम सो गए। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग उठे करीब 11 बजे 11:30 बजे हम मुंबई पहुंचने वाले थे, तो उठते ही सबने ये पी ट्रेन वाली चाय और फिर पहुंच गए मुंबई। सो यस, घर वापस आ गए, सेटल हो गए। जिस दिन पहुंचे उस दिन थोड़ा सा अजीब लगा था जब एंटर हुए, क्योंकि पैरों में खेलने के लिए चुटकू नहीं था, मस्ती करने के लिए, कूदने के लिए, कि अरे तुम लोग वापस आ गए तो पहले मुझे प्यार करो कर नहीं था। बट तो मैंने और शुएब ने दोनों ने वो चीज रियलाइज की, दोनों को वो महसूस हो रही थी कि, पर दोनों की हिम्मत नहीं थी कि एक दूसरे से वो चीज वोबलाइज करें ऑब्वियसली, क्योंकि होता है ना कि एक साथ बोलो तो मुझे भी पता है उन्हें तकलीफ हो रही है, उन्हें भी पता है मुझे तकलीफ हो रही है। एनीवेज सो अम्मी ने उस दिन अच्छा अच्छा खाना बनाया था तो हमने सबने वो खाया, थोड़े चिल्ड आउट मूड में भी थे तो रेस्ट किया। तो उस दिन मैंने और कुछ शूट नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने जिम में व्लॉग कंटिन्यू करने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि जस्ट सडनली तीन चार दिन एकदम रेस्ट मोड में जाने के बाद वर्कआउट स्टार्ट किया तो थकान भी बहुत ज़्यादा होगी, तो मैं थोड़ा सा शूट कर पाई, वो थोड़ा सा ही देखी। हाय गाइस, सो हो गया है नेक्स्ट डे यानी कि 28th, कल हम पहुंच गए और उसके बाद मैंने कुछ छुट्टी किया। अम्मी ने बहुत अच्छा चिकन बनाया था तो हमने वो खाया, क्योंकि कल हमारा लास्ट चीट डे था। और आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं और शोएब आ गए हैं जिम। मेरा 1 घंटे का कार्डियो हो गया है, अभी थोड़ा और करूँगी। आज फर्स्ट डे तो इसलिए मैंने देव को बोला कि आज मैं और कुछ नहीं करूँगी, आज मैं सिर्फ कार्डियो करूँगी। वैसे भी मैं थोड़ी वेट्स वगैरह करने की चोर हूँ देव मुझे हमेशा बोलते, 10 बार बोलते तो मैं 1 बार करती हूँ। तो देखते हैं नीचे क्या हाल है, क्या चल रहा है, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद जिम में। इतने दिन बाद, 4 दिन के बाद ऐसे क्यों लग रहा है कि बहुत दिनों बाद? ना, वो मैं बहुत दिनों बाद ना, मैं लास्ट में 2-3 दिन नहीं आई तभी ठीक है। ऐसा होता है नॉर्मली, मतलब कहीं जाते हैं कम दिन के लिए, बट ऐसा लगता है कि काफी गैप हो गया क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, एकदम मस्ती मोड में चले जाते हैं। तो अभी वापस हम, लेकिन इस बार इतना अच्छा है कि हम नेक्स्ट डे से ही अच्छे बच्चे बन के आ गए। इसने भी पीछे से हाँ बोला, इज द हैप्पीएस्ट। और ये देखो आज जिम में, ये क्या क्या अवतार है ये जिम में आया। ये हमारे फिरोज भाई हैं, यहाँ का एंटरटेनमेंट पैकेज कह सकते हैं आप उनको। ये है ये, लेकिन वो मेरे सामने एंटरटेनमेंट नहीं होता, शर्माते हैं ना। मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि हरकत ऐसी करते हैं इसलिए शर्माते हैं। तो वर्कआउट कम करते हैं और ये डांस ज्यादा करते हैं, और डांस ही ऐसा करते हैं कभी मैं चुपके से आपको इनका वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कैसे डांस करते हैं। ठीक है, तो मुझे भी देखना है। तो शाम के बज रहे हैं 7 और जिम अच्छे से हुआ, उसके बाद मैं भाग गई, मुझे बैंक का कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था। और बस फिर अभी बैठी हूँ मैं, थोड़ा मौसम अच्छा है यहाँ पे भी, हल्की हल्की सी ठंड है ही, मदहा जैसी नहीं है पर थोड़ी थोड़ी ठंड है, अच्छा मौसम है। तो मैं झूले में बहुत दिनों बाद बैठ के मज़ा ले रही हूँ। और मैंने संतोष भैया को भेजा है सब्जी लाने के लिए, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा आलस आ गया था इसलिए मैंने संतोष भैया को भैया प्लीज़ आप ला दो, तो वो सब्जी लाएंगे। फिर मैं रात के लिए सूप बनाऊंगी, जैसे कि बताया कि आज से स्ट्रिक्ट डाइट शुरू, नो चीटिंग। तो बस सूप बनाऊंगी, फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक मैं जरा मौसम का मजा उठा लूँ। अपना फेवरेट म्यूजिक लगा के मैं खाना बना रही हूँ, इसमें बनेगा शोएब का डाइट चिकन विद किनोआ और इसमें बनेगा मेरा सूप। फिलहाल खा लिए, तो ये चिकन रेडी हो गया, ये सूप के लिए मैंने वेजीज बॉईल कर ली तो है, मेरा बन गया। मैंने चिकन करी और किनोआ बनाया था शोएब के लिए और मैंने पिया था सूप। और बस उसके बाद फिर मैं सो गई। आजकल एक्चुअली मैं रात की वॉक के लिए नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंड हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है क्योंकि ना वो ठंड के मौसम में ऐसा लगता है बस रजाई में घुसे रहो। आप लोगों को कितनों को ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत मन करता है। स्पेशली वो स्कूल के दिन याद है आपको, जब सर्दियों में मम्मी आके उठाने की कोशिश किया करती थी और लगता था कि नहीं बस अपनी गरम गरम रजाई में सोते ही रहो, कौन स्कूल जाएगा। बट एनीवेज, सो नेक्स्ट डे पापा को ले गए डेंटिस्ट के पास और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एंड मैं बहुत बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि पापा इतने अच्छे से, इतनी कॉन्फिडेंटली वॉक करके डेंटिस्ट के पास गए और उन्होंने अपना एक्सरे वगैरह करवाया और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि, तो चलिए आप लोग भी देखिए। सो
सबसे पहले आपको बता दूं फिर से कि ये जो इतना अमेजिंग सा क्लिनिक आप देख रहे हैं ये है पोड़वाल डेंटल एंड एस्थेटिक वर्ल्ड। मैंने जो अपना टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया था वो भी यहीं से करवाया था, उसका भी ब्लॉग मैंने डाला था, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता दूं बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर नरपत, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी हैं। ये देखिए एक्सरे रूम भी है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो एक ही विजिट में आपकी सारी इन्वेस्टिगेशंस हो जाती हैं और एकदम हैसल फ्री है। ये क्या है शोएब? ये अब तक मैं चूहा ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है उसने, पहले अब धीरे धीरे शूज निकाल रहा हूँ ना मैं, तो मुझे समझ में आ रहा है किसका इंसोल कटा हुआ है, किसका क्या कटा हुआ, कहाँ अंदर से कोई कटा हुआ है। ये लकीली बाहर से कुछ नहीं कटा, पर उसका मतलब उसका आर्ट देखो, बाहर से जूता तस से मस नहीं हुआ है और अंदर से देखो कैसे कुत रहा है। उसको मजा आ रहा होगा। आज पहन लेता हूँ मैं उसको। यस, उस गुमनाम चूहे ने अब तक शोएब को परेशान करके रखा है, बट खैर अभी तो शोएब के जो शूज हैं वो सही जगह पे हैं, सो आई होप आगे ऐसा कुछ ना हो। बट सो ये था पिछले 3-4 दिन का जो भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया, आई होप आपको ये देख के मजा आया हो, अच्छा लगा हो। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगी, जिस तरह से आपने हमारे मौदाहा के ब्लॉग्स पसंद किए, ये शोएब की वीडियो में भी हमने बोला, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगी, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो हैज़ ट्रेंडेड, थैंक यू सो सो मच गाइज। और सबसे ज़्यादा स्पेशल मुझे लगता है, मैं ये पहले भी एक आध बार बोल चुकी हूँ, जब आप स्पेसिफिकली कमेंट करते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे शोएब जैसे हस्बैंड मिले हैं, येस आई टोटली अग्री। आप में से बहुत लोग बोलते हैं शोएब इज़ द बेस्ट हस्बैंड, द बेस्ट ब्रदर, द बेस्ट बेटा, आई 100% अग्री। मतलब जिस खूबसूरती से शोएब अपने हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और फिर आप में से कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला, तो येस 100% आई अग्री, क्योंकि इतना प्यार और इतना लाड मिलता है और मेरी चीज़ों को वैल्यू किया जाता है, एक स्पेस दिया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर फैमिली में अगर हर कोई अपना जो रोल है वो अच्छे से निभाए, तो आई थिंक एवरी फैमिली कैन बी वेरी 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 ब्यूटिफुल। आप लोग मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हो कि मुझे कई लोग लड़कियों के मैसेज आए हैं कि उनकी शादी होने वाली है और वो यही चाहती हैं कि वो मेरी तरह बहू बने, तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिल से। वो कमेंट्स पढ़ना इतना ज़्यादा स्पेशल फील होता है और इतना ऑनर्ड फील होता है ना कि अच्छा ओ कोई मुझे इतने अच्छे से आइडलाइज कर रहा है, सो मतलब वो फीलिंग्स मैं कभी वर्ड्स में बोलना कम होगा, बहुत कम होगा, बट इट्स अ वेरी स्पेशल फीलिंग। बस मैं यही कहूँगी कि हर एक आप लोग जो भी हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, वो करो, दिल से करो, कभी दुनिया के दिखावे में कुछ मत करो, इट्स नॉट वर्थ इट, जस्ट लिव योर लाइफ अच्छे से, लोगों को प्यार दो, जितना हो सके लोगों को प्यार दो, वही रहता है हमारे पास और कुछ रहता नहीं है। एट द एंड आप सिर्फ प्यार कमा सकते हो और आप प्यार दे सकते हो, उसके अलावा बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें सब आती हैं जाती हैं, इट इज एक्चुअली नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ। द एसेंस ऑफ लाइफ इज लव, जो आप सबसे ज्यादा स्प्रेड करो ताकि वो आपको भी वही मिले, एंड बस दैट्स अबाउट इट। आई थिंक मैं इसे बहुत अलग टेंजेंट पे ले गई, क्योंकि आप लोगों से क्या करूं, गप्पे मारने बैठती हूँ तो बातें एक के बाद एक निकल ही जाती हैं। सो एनीवेज मैं ये व्लॉग अब यहीं खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके कितने दिनों का शूट करती जाऊंगी। आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं नेक्स्ट कोई बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ आपको बहुत ही जल्द मिलूं, एंड या कुछ न्यू ईयर में अच्छी कुकिंग करते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। सो सी यू गाइस, तब तक इस व्लॉग को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है। एंड रिमेम्बर, जैसे शोएब कहते हैं, खुश रहिए, प्यार बांटिए, प्लीज स्प्रेड एज मच एज लव एज यू कैन। लव यू ऑल।